गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। यार कल रात में बहुत लेट हो गया था हम लोग इस होटल में जहाँ रुके। होटल नहीं है, एक ऐसा ही है ढाबे जैसा, उसके ऊपर उन्होंने कुछ सोने के अरेंजमेंट्स थी, वहाँ पे हम लोग सो गए थे रात में। उन्होंने कुछ 800 चार्ज किया था चार लोगों का। सो वो छोटी सी रूम थी, रूम भी दिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। और मैं बता दूँ कि हम लोग हैं सागर के बाईपास में, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से सागर। सागर यहाँ से कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास ही होगा, 20-15 के आसपास ही होगा। और ये हम लोगों ने अभी निकलने का सोचा है, और ये अभी सामान वामान पैक करके लेके आ गए हम लोग, और थोड़ी देर में अभी गाड़ी पे लोड करेंगे। और सब लोग रेडी है, नहा धो के सब रेडी है, ये सुखाने उखाने के डाल दिए क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश थी। और हम लोगों ने 2 बजे तक खींचा कैसे तो भी करके, बहुत हैवी रेनफॉल हुई थी। और ये सब हमने सुखाने को डाल दिए, केयर्स वगैरह, ये हेलमेट डाला है, ऐसे ही सुखाने को डाले हैं। और कपड़े अंदर से ज़्यादा गीले नहीं हुए थे, अंदर फैन था तो अभी तक सूख गया सब कुछ। और अभी गाड़ी पे लोड करते हैं सामान और नाश्ता करते हैं, और होपफुली आज पहुँचेंगे हम लोग नोएडा। नोएडा यहाँ से ओनली 600 किलोमीटर। तो गाइस ये पीछे वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऊपर हम लोग रुके थे, टेरेस पे रूम है। और ये हम लोगों की बाइक रेडी है, बाइक की अभी चेन स्प्रे वगैरह मारा है वो रॉयल एनफील्ड। और हम लोगों ने अभी आलू पराठा ऑर्डर किया है, तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और सामान हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है ऐसा सुखाने के लिए थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही नाश्ता हो जाता है हम लोग वो लोड करते हैं बाइक को। ये नाश्ता आ गया, जूनियर भाई पहले ही खा रहे हैं, और 2 प्लेट और आने हैं। कुछ है कि नहीं इसके साथ में? आलू पराठे हैं चार, और ये सॉस। अभी निकलने का टाइम आ गया, सबकी गाड़ी लोड हो गई है, और शान भाई भी बढ़िया गाड़ी पे, अपने को बस ग्लव्स आ जाना, तो अपन भी निकलते। वैसे ही थोड़ा सा उसको मैकेनिक को दिखाना है शान को, इसलिए पहले चले गए। और बैठने का ही प्रॉब्लम है भाई, और कुछ नहीं। जय भोलेनाथ। अभी प्लान है कि हम लोग सीधा नोएडा नहीं जाने वाले, नोएडा इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कल एक फ्रेंड ज्वाइन करने वाली है। सो अभी आज जाएंगे तो कल का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो हमने सोचा है कि आज आगरा रुकते हैं, आगरा में ताजमहल देखेंगे सब अच्छा खासा, और सब कुछ देख देख के जाएंगे अभी धीरे धीरे करके। अभी बज रहे हैं दोस्तों 10 बज रहे हैं, यहाँ से आगरा है 400 किलोमीटर। वेदर तो बढ़िया है, धूप निकली हुई है, थोड़ी देर में पता नहीं कभी भी बादल आ सकते हैं, डिपेंड, कोई भरोसा नहीं है। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मुझे बहुत लोगों के DM आए थे कि भैया अगर कोई राइडर नहीं है तो वो राइड कर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल कर सकता है भाई लोग, ये तीनों भी राइडर नहीं है, इनको मैंने कैसे तो भी मनाया है। और ये शॉन की बाइक है, वो सामने वो जूनियर के मामा की बाइक है, तो कैसे ना कैसे करके जुगाड़ किया है उन लोगों ने, और इनको किसी तरह से तैयार किया है मैंने बहुत मुश्किलों के बाद, इनको बहुत अच्छे से इनका माइंडसेट किया है मैंने कि इतनी लंबी राइड किस तरह से सक्सेसफुल किया जाए। और प्रॉपर गियर्स भी हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको अगर चाहिए होगे तो। सो कोई भी बंदा बिना गियर का नहीं है यहाँ पे, सब लोग गियर पहन के, देखो ये नी पैड, एल्बो पैड सब लगा के चल रहा है, भाई ने भी ग्लव्स वगैरह सब पहना है, हेलमेट्स पहने हैं सब लोगों ने। सो
यही है भाई, अगर लॉन्ग राइड के लिए निकल रहे हो तो प्रॉपर गियर्स पहन के निकलिए, हेलमेट पहन के निकलिए। एक और टिप, जब आप लोग राइड पे जाते हो, जब भी आप ग्रुप में जाते हो, बड़े बड़े ग्रुप में या फिर दो तीन लोग, दो तीन बाइक, चार पांच बाइक जो भी होते हैं आपके पास, ग्रुप में जब जाते हो तो बाइक का डिस्टेंस है कम से कम 50 से 100 मीटर के बीच में रखना। जैसे कि हम लोगों ने रखा है, वैसे ही पीछे शॉन है, वो भी 100 मीटर पीछे ही है। सो ये ज़रूर रखना, क्योंकि सामने अगर ब्रेक मार दिया किसी ने और हम लोग एकदम सीधे में रहे तो जाकर ठोक भी सकते हैं उनको। तो ज़रूरी टिप है ये, मैंने आजमाया है, हम लोगों ने आजमाया है इस राइड में, क्योंकि ग्रुप के साथ मैं फर्स्ट टाइम राइड करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताया है। अभी नहीं, MP बॉर्डर क्रॉस किया है, पता नहीं अभी UP का आने वाला है या नहीं, लेकिन MP का बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग UP एंटर करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल अभी UP एंटर तो कर चुके हैं, जो इसी जो लास्ट बॉर्डर पार किया हम लोगों ने, MP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, UP में आ गए, क्योंकि यहाँ पे UP नंबर प्लेट की बाइक्स दिख रही है, वो UP। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे हम लोग ये छोटे से ढाबे में, और कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर अभी निकल रहे, थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट करना ज़रूरी है। पानी भी पी रहे हैं बहुत सारा, और एक कोल्ड ड्रिंक भी पी लिए, सब बढ़िया हो गया। ओए, इतनी कठिनाइयों वाली राइड के बाद ये सीन देख के आनंद आ जाता है यार, आनंद आ जाता है। देखो गाइस, यहाँ पे 94 लीटर पेट्रोल है, और अपने इधर महाराष्ट्र में 106। ऐसा लग रहा है कोई कोविड मैं जैसे लग रहा है अपने एरिया की तरह, जबलपुर में जिस तरह का होता है, कुछ तो खजानी है। थोड़ी थोड़ी अभी नींद आना स्टार्ट हो गई है, और पैर भी थोड़ा थोड़ा टायर्ड हो चुका है। अलग से एक्सेसरीज लगाया मैंने जिससे पैर रेस्ट कर सके। ये जहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये रेडियम, तो इस पर मैं ऐसे पैर रख देता हूँ और आराम से बाइक चलाता हूँ। देखो सेम इसी तरह, ऐसा फुटरेस जैसा, लेग रेस बोल सकते हैं या फिर लेग स्टे, इस तरह का है, आराम से जा सकते हैं। जहाँ पे लगा ब्रेक मारना है, गियर मारना है, वहाँ पे पैर नीचे करो और आराम से बैठ के चलो। तो अभी झांसी यहाँ से 6 किलोमीटर है, शायद हम लोग बाईपास से जाएंगे। तो अभी यहाँ पर रुकने का कोई प्लान नहीं है, थोड़ा 20-30 किलोमीटर और चलाते हैं फिर रुकते हैं जाके। अभी तो भी ये कुछ पहाड़ियों पे अगर आपको पुतला दिख रहा होगा बहुत बड़ा, एक अच्छा लग रहा है वो देखने के लिए। और ये जो माउंटेंस के पहाड़ियों में ऐसे घर रहते हैं ना बीच में, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दिखते, बढ़िया लगते हैं यार, बढ़िया लगते हैं। अब हम उसी तरह एक जगह पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए एक दो दिन का। तो लिटिल अपडेट गाइस, अभी हम लोगों ने लंच किया है, बैटरी ख़त्म हो गई थी GoPro की, तो मैं वो शूट नहीं कर पाया। हमने पनीर PBM मंगाया और दाल तड़का मंगाया था, और रोटी खाए, रोटी चावल खाया। तो हम लोगों का जो बिल बना है वो 505 रुपये का बना है 4 लोगों का, तो 100 रुपये में बहुत अच्छा पेट भर खाना हो गया भाई।